राज्यसभा सदस्य मनोज झा द्वारा सदन में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं को लेकर विवाद बढ़ रहा है और इसी को लेकर गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने किसी समाज का अपमान नहीं किया। मनोज झा का पक्ष लेते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मनोज झा विद्वान आदमी है, किसी ठाकुर और राजपूत के खिलाफ वह नहीं बोले हैं। जो सज्जन निरीक्षण दे रहे हैं उन्हें सब कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। लालू ने कहा कि मनोज ने जो कहा है सही कहा है। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन को नसीहत भी दे डाली। बुधवार को आनंद मोहन ने कहा था कि वे यदि उस समय सदन में होते तो मनोज झा की जबान खींचकर सदन में उछाल देते। पत्रकारों ने आनंद मोहन व उनके बेटे के बयान को लेकर सवाल किया था। लालू श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित किताब उत्सव में शिवानंद तिवारी की पुस्तक सड़क से संसद तक का विमोचन करने के लिए पहुंचे थे। इसके पहले पुस्तक का लालू प्रसाद, शिवानंद तिवारी, भोला यादव, राजकमल प्रकाशन के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी और पुस्तक के संपादक कुमार मुकुल ने विमोचन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर लालू ने कहा है कि देश बदल रहा है, सांप्रदायिक ताकतों का बोलबाला हो गया है, भारत के संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।